हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुमित सर और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 7। ठीक है, देखिए एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने यूनिट 2 पूरी तरह से खत्म कर लिया। टोटल 6 यूनिट है जिसमें से हमने यूनिट 1 लगभग क्लास ही में हम लोगों ने किया था और यूनिट 2 हमने पूरे ऑनलाइन लेक्चर में हमने कर लिया। 6 लेक्चर थे उसको हमने कर लिया यूनिट 2 को। ठीक है, जो था बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का एक तरह से इंट्रोडक्शन था। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने उसका कॉन्फिगुरेशन पढ़ा, वोल्टेज गेन, करेंट गेन, अल्फा बीटा गामा सबके बारे में समझा, कुछ करेंट रिलेशन था उसके बारे में हम लोगों ने देखा। तो उस लेक्चर को, जो भी पिछला टॉपिक है उसके आगे की चीज़ अब मैं बताने जा रहा हूँ, जो है आपका यूनिट नंबर 3 और इस यूनिट का नाम है ट्रांजिस्टर बायसिंग एंड स्टेबलाइजेशन। ठीक है, पिछले यूनिट की बातों को आपको याद रखना पड़ेगा इस यूनिट को पढ़ने के लिए। ठीक है, उसके आगे की ये बात है ट्रांजिस्टर बायसिंग एंड स्टेबलाइजेशन। ठीक है, तो ये आपके यूनिट का नाम है, सब लोग अपने नोट्स में यूनिट 3 और ये चैप्टर का जो नाम है इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए ट्रांजिस्टर हम लोग पढ़ चुके, बीजेटी, बीजेटी क्या होता है। अब इसके बाद हमको बायसिंग और स्टेबलाइजेशन के बारे में पढ़ना है। तो एक बात पहले आप जान लीजिए कि जो बायसिंग और स्टेबलाइजेशन होता है इसकी आवश्यकता पड़ती है एम्पलीफिकेशन के लिए। एम्पलीफिकेशन के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें बायसिंग और स्टेबलाइजेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो आप कहेंगे सर एम्पलीफिकेशन क्या है। ठीक है, तो एम्पलीफिकेशन का हिंदी होता है प्रवर्धन, प्रवर्धन। और जो डिवाइस एम्पलीफिकेशन का कार्य करता है उसे हम लोग कहते हैं एम्पलीफायर। ठीक है, उसे एम्पलीफायर कहते हैं। तो पहले आप लोग एम्पलीफायर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, क्योंकि जब तक आपके पास एम्पलीफायर का नॉलेज नहीं होगा तब तक आप लोग बायसिंग और स्टेबलाइजेशन नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आज का हेडिंग रहेगा एम्पलीफायर। ठीक है, या इसको हेडिंग को हम ऐसे लिखेंगे, ये हेडिंग आपको नोट्स में लिखना है, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर इन सीई कॉन्फ़िगरेशन। इसका हिंदी हुआ सीई कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में। ठीक है, मतलब हमें ट्रांजिस्टर, देखो एम्पलीफायर जो बनता है वो बनता है ट्रांजिस्टर की मदद से। ठीक है, और सबसे ज़्यादा एम्पलीफायर, सबसे सुटेबल एम्पलीफायर सीई कॉन्फ़िगरेशन में ही होता है। ठीक है, इसको मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बताया भी था कि क्योंकि उसका बीटा जो होता है, करंट गेन, वो काफ़ी ज़्यादा होता है और वोल्टेज गेन भी मिलता है उसमें। ठीक है, तो ये रीजन है जिससे, और पावर गेन भी मिलता है। ठीक है, ये तीनों तरह के गेन इसमें प्राप्त होते हैं सीई कॉन्फ़िगरेशन में। तो इसलिए हम लोग सबसे ज़्यादा एम्पलीफायर बनाने में सीई कॉन्फ़िगरेशन का ही यूज करते हैं। जब उसका आप सर्किट देखेंगे तो आपको खुद ब खुद भी समझ में आ जाएगा कि क्यों सीई कॉन्फ़िगरेशन का ही यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका आज का हेडिंग है कि सीई कॉन्फ़िगरेशन के रूप, सीई कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में। ठीक है, तो चलो ये तो हेडिंग डाल लीजिएगा। अब देखिए, अब इसके बाद आपको ये समझना है कि एम्पलीफायर होता क्या है। तो देखो, आपको एक बात याद होगा, या आप कहीं भी ये बताइए, जब आप स्पीच देते हैं किसी स्टेज पर जाकर या किसी सेमिनार में या कहीं भी जाकर जब आप स्पीच देते हैं या कोई गाना गाते हैं तो आपको दिया जाता है माइक, आपको माइक दिया जाता है माइक। ठीक है, और कहीं ना कहीं स्पीकर होता है। ठीक है, इस तरह का आप देखे होंगे, इस तरह का ऐसे 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 माइक होता है जिसमें आप बोलेंगे। ठीक है, और इधर एक स्पीकर रहेगा। ठीक है, मान लो कि ये स्पीकर है जिसमें से साउंड निकलेगा। ठीक है, और अब होता क्या है कि माइक जो है, माइक क्या करता है, ये स्पीकर है, ये स्पीकर है और ये माइक है। माइक करता क्या है, क्या माइक आवाज़ को तेज कर देता है? बिल्कुल नहीं। माइक करता क्या है कि माइक ऑडियो सिग्नल को, माइक जो ऑडियो सिग्नल है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। बस इतना सा काम माइक करता है कि ऑडियो सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। मतलब जो आप बोलते हैं उस बोलने को बिजली के रूप में वो कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, मतलब माइक से तार निकलता है यहाँ पे पीछे से। ठीक है, तो जब आप बोलेंगे तो आपके बोलने के पैटर्न के हिसाब से करंट का या वोल्टेज का यहाँ पे प्रवाह होता है। ठीक है, अब जैसे जैसे आपके आपके आवाज़ की प्रवृत्ति होगी, आवाज़ का पैटर्न होगा, उस तरह से इसमें अगर आप करंट का या वोल्टेज का ग्राफ बनाएं इसमें, तो आपको इस तरह से इसमें कुछ इस तरह से इसमें ऐसे ऐसे आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्राप्त होगा। ठीक है, मतलब ये करेगा क्या कि ऑडियो सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में माइक कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, मतलब आपका जो आवाज़ है वो तारों के रूप में प्रवाहित होगा, आप ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब सीधे अगर आप इस साउंड को ले आके, जो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल है आवाज़ के लिए जो माइक बदला है उसको आप ले आके यहाँ कन्वर्ट कर दें, तो स्पीकर जो है आपको तेज आवाज़ करके नहीं सुना पाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्लो हो
हो रहा है, जो इसमें करंट या करंट फ्लो हो रहा है या जो भी वोल्टेज है इसके बीच, इसके तारों के बीच में, अगर आप उसको ले जाके यहाँ दे देंगे तो उससे आवाज़ आपका तेज होकर नहीं सुनाई देगा, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्लो हो रहा है वो धीमे आवाज़ के लिए है, क्योंकि आपका आप इतना तेज एक आदमी इंसान नहीं बोल सकता है। तो माइक जो है, अगर ऑडियो सिग्नल का इंटेंसिटी कहिए या स्ट्रेंथ कहिए, अगर ऑडियो सिग्नल का जो सामर्थ्य है वो कम है, तो उसके बदले में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आएगा उसका भी सामर्थ्य कम होगा, ठीक है। तो इसमें जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्लो होगा उसका सामर्थ्य कम होगा, यानी वो छोटा सा वोल्टेज होगा, छोटा सा करंट होगा। तो एक स्मॉल वोल्टेज स्मॉल करंट को आप ले आके एक बड़े से स्पीकर को दे दें, तो स्पीकर के अंदर जो डायाफ्राम होता है वो आगे पीछे हो ही नहीं पाएगा उतने छोटे से वोल्टेज और उतने छोटे से करंट से, तो ये आपको आवाज़ तेज करके नहीं दे पाएगा। स्पीकर का काम क्या होता है, स्पीकर का काम होता है कि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, यानी ये माइक का उल्टा होता है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट कर देता है ऑडियो सिग्नल में। याद रखिएगा इस बात को, माइक आप बोलेंगे तो उसको बिजली यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, यानी तारों में धारा का प्रवाह करेगा साउंड के लिए, और स्पीकर क्या करेगा, तो स्पीकर इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो उसको दिया जाएगा, इसको दिया जाएगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है, तो उसको आवाज़ में ऑडियो में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो अगर आप सीधे इस लो स्ट्रेंथ वाले, जो कि माइक से जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल निकल रहा है उसका स्ट्रेंथ कम है, सामर्थ्य कम है, ठीक है, तो अगर आप इस लो स्ट्रेंथ वाले सिग्नल को, या आप इसको कह सकते हैं वीक सिग्नल, तो अगर आप इस वीक सिग्नल को सीधे ले जाके स्पीकर को दे दें तो आपका आवाज़ आपको तेज होकर सुनाई नहीं देगा। तो इसके लिए हमें बीच में एक ऐसा डिवाइस लगाना पड़ेगा इन दोनों के बीच में, मतलब माइक और स्पीकर के बीच में एक ऐसा डिवाइस लगाना पड़ेगा जो वीक सिग्नल को, जो वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, ठीक है, वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है जो माइक से आया है उसको स्ट्रांग इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर सके, ठीक है, यानी जो सामर्थ्य बहुत कम है सिग्नल का उसके सामर्थ्य को बढ़ा सके, यानी वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को स्ट्रांग इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर सके। एक ऐसा डिवाइस हमें बीच में चाहिए, मतलब माइक ने क्या किया कि आपके ऑडियो सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया, क्योंकि आवाज़ जो है एक इंसान का आवाज़ उतना तेज होता ही नहीं है, तो उसके बदले में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आएगा वो वीक होगा, ठीक। अब उस वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक डिवाइस आप लगाए, इसी डिवाइस को हम लोग कहते हैं एम्पलीफायर, ठीक है, और ये एम्पलीफायर क्या करेगा, उस वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को स्ट्रांग इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देगा, यानी उस वोल्टेज उस करंट का मान ज़्यादा होगा, ठीक है, वो स्ट्रांग इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल जाएगा। और अब ये स्ट्रांग इलेक्ट्रिकल सिग्नल जब आप किसी स्पीकर को देंगे तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिकल सिग्नल वो स्ट्रांग है, तो उसके बदले में जो ऑडियो पैदा होगा वो जाहिर सी बात है वो ऑडियो तेज पैदा होगा, ऑडियो बदलेगा नहीं, यानी ये नहीं है कि यहाँ पे कोई गाना गा रहा है तो यहाँ पे कोई भाषण स्पीच सुनाई दे, ऐसा नहीं होगा, ऑडियो जो है वही रहेगा, बस उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, यानी अब आपको ज्यादा तेज सुनाई देने लगेगा क्योंकि यहां पे उसी सिग्नल को स्ट्रांग कर दिया गया है यहां पे, ठीक है। तो अब चूंकि इसका डायफ्राम जो है स्पीकर का वो बड़ा डायफ्राम है, तो इतना हैवी इलेक्ट्रिकल सिग्नल जब उसको मिलेगा तो डायफ्राम हिलने लगेगा, ठीक है, और उसी पैटर्न के हिसाब से आगे पीछे होगा डायफ्राम स्पीकर का, जिस पैटर्न के हिसाब से साउंड है, बस चूंकि यहां पे सिग्नल को स्ट्रांग कर दिया गया है तो आपको आवाज जो है तेज होकर सुनाई देगा। तो आपको समझ में आया कि नहीं कि एम्पलीफायर क्या करता है, यानी एम्पलीफायर ये होता है जो वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, या आप केवल वीक सिग्नल ही बोलिए, तो वीक सिग्नल को स्ट्रांग सिग्नल में, वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को स्ट्रांग इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, ये एम्पलीफायर होता है। अच्छा, अब एक बात और कि सिग्नल वीक है कि स्ट्रांग है, इसको इसका जानकारी जब आप सिग्नल का वेव फॉर्म बनाएंगे, मान लो कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल, मान लो कि यहाँ पे साउंड जो बोला गया, अब वो साउंड जो जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बना तो मान लो कि उसका ग्राफ ऐसे आ रहा है, ठीक है, साइन, इसको साइन वेव कहते हैं, इसको कहते हैं साइन वेव। देखो, ज़्यादातर हम लोग समझने के लिए, मतलब एम्पलीफायर के फंक्शन को समझने के लिए, हम बहुत ऐसे इस तरह का वेबफार्म लेके अगर चलेंगे तो उस पर हम एनालिसिस करना हमारे लिए काफ़ी टफ हो जाएगा, क्योंकि हम जाहिर सी बात है कि आपको इसमें थोड़ा मैथमेटिकल इक्वेशन वगैरह बनाना पड़ेगा, तो आप इस पर लेके चलेंगे तो बहुत सारी समस्याएं आएंगी। तो हम लोग थोड़ा सा सिंपल इलेक्ट्रिकल सिग्नल लेके समझेंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो मान लो कि इस तरह का इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जिसको माइक ने ऑडियो से इलेक्ट्रिकल में बदला है, ठीक है, और इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को अगर आप एम्पलीफायर को देंगे तो अब एम्पलीफायर क्या करेगा कि उसको स्ट्रांग बना देगा, ये वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है और अब इसको स्ट्रांग इलेक्ट्रिकल सिग्नल बना देगा। कैसे स्ट्रांग बनाएगा, तो ऐसे स्ट्रांग बनाएगा, देखिए इस तरह से,
ठीक है, सिग्नल को इस तरह से स्ट्रांग बनाएगा कि इसके आयाम, इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं, इस सिग्नल का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, पीक वैल्यू, उसको हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो इस एम्पलीट्यूड को बढ़ा देगा एम्पलीफायर, क्या करेगा इस एम्पलीट्यूड को ऐसे देखो ऐसे इंक्रीज कर दिया, ठीक है, इस तरह से, अब थोड़ा सा ये नीचे जगह नहीं है, इस तरह से एम्पलीट्यूड, मतलब एम्पलीट्यूड को इतना ज़्यादा कर दिया। बात समझ में आया कि नहीं? ये इसीलिए अब इसको आप कहेंगे वीक सिग्नल तो इसको कहेंगे स्ट्रांग सिग्नल, ठीक है। सिग्नल का पैटर्न नहीं चेंज हुआ, अगर सिग्नल का आवर्तकाल यहाँ इतना सेकेंड है तो आवर्तकाल अभी भी इतना, एक चक्कर के समय को आवर्तकाल कहते हैं, ठीक है। तो सिग्नल का एक साइकिल यहाँ पूरा हो गया, ठीक है, तो वो समय अभी भी उतना ही है जितना पहले था, उतना ही सेकेंड अभी भी है जितना सेकेंड अभी अभी है, ठीक है। इसलिए ये सब नहीं चेंज होगा, फ्रिक्वेंसी नहीं चेंज होगा सिग्नल का, आवर्तकाल नहीं चेंज होगा, लेकिन एम्पलीट्यूड, जो एम्पलीट्यूड पहले मान लो कि कम वोल्ट था, वो एम्पलीट्यूड अब ज्यादा वोल्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी एम्पलीट्यूड बढ़ गया, ठीक है, तो अब ये स्ट्रांग सिग्नल कहलाएगा। तो कहीं ना कहीं एम्पलीफायर वीक सिग्नल को स्ट्रांग सिग्नल कैसे बना रहा है, तो एम्पलीट्यूड को बढ़ाकर, तो समझ में आया, एम्पलीट्यूड को बढ़ाकर, यानी एम्पलीफायर रियलिटी में कर क्या रहा है कि लो एम्पलीट्यूड वाले सिग्नल को, लो एम्पलीट्यूड यानी निम्न आयाम वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हाई एम्पलीट्यूड वाले सिग्नल में, हाई एम्पलीट्यूड वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दे रहा है। इसीलिए इसका नाम है एम्पलीफायर, एम्पलीफायर हिंदी हुआ प्रवर्धक, प्रवर्धक, ठीक है, यानी प्रवर्धन आपको मालूम होगा हिंदी में बोलते हैं जो किसी भी चीज़ में जो जो वृद्धि करे उसको कहते हैं बढ़ाना, प्रवर्धन करना, और जो करता है उसे प्रवर्धक कहते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है एम्पलीफिकेशन कहलाती है, एम्पलीफिकेशन प्रवर्धन, मतलब एम्पलीफायर जो काम करता है वो कहलाता है एम्पलीफिकेशन, और जो काम एम्पलीफिकेशन का काम जो डिवाइस करता है उसे हम लोग कहते हैं एम्पलीफायर। तो आपको ये समझ में आया ना कि एम्पलीफायर क्या होता है? तो कोई भी पूछे कि व्हाट इज एम्पलीफायर, तो आप कहिएगा कि वह डिवाइस जो लो एम्पलीट्यूड वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हाई एम्पलीट्यूड वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है उसे हम एम्पलीफायर कहते हैं। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि माइक से जो निकलेगा वो लो वीक सिग्नल होगा, उसे हम सीधे स्पीकर को देंगे तो कोई फायदा नहीं है, तो पहले हम उसे एम्पलीफायर से स्ट्रांग सिग्नल बना लेंगे और तब स्पीकर को देंगे, तो फिर आपकी आपका जो आवाज है वो तेज सुनाई देगा। अच्छा, आप लोग याद होगा जब मैं आपको क्लास में पढ़ाता था तो आपको याद होगा कि मैं माइक अपने सर पे मैं माइक सेट करता था, हालांकि मैं तो वायरलेस माइक लगाता था, लेकिन देखिए ये वायर वाला माइक है, ये माइक मैं इस्तेमाल करता था ना, ठीक है। तब देखिए ये जो है ये माइक है, अब मतलब जब भी मैं बोलता हूँ तो सिग्नल ऑडियो सिग्नल इसमें जाता है और ये क्या करता है कि उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। मतलब देखो अब यहाँ से तार निकल रहा है कि नहीं, तार में तो बिजली का ही प्रवाह होगा ना, तो अब ये माइक क्या करेगा कि इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया, अब इसमें तार आया, ठीक है। हालांकि मैं जो इस्तेमाल कर रहा था वो वायरलेस वाला था, लेकिन वायरलेस का फंक्शन थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो आप इसको सिंपल माइक पर समझिए जिसमें तार हो, ठीक है। तो अब इसमें इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्लो होगा, लेकिन इसमें लो एम्पलीट्यूड वाला सिग्नल यानी वीक सिग्नल इसमें फ्लो होगा, ठीक है। और इसको इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मैं इसमें ऐसे पिन करके, आपको याद होगा कि ये इसमें ऐसे पिन कर देता था, ठीक है, लगा देता था। तो अब ये जो डिवाइस आपको दिख रहा है ना, ये असली में लोग इसको कहेंगे सर ये स्पीकर है, लेकिन बात ये है कि ये स्पीकर तो है लेकिन इसके अंदर का जो सर्किट है, स्पीकर तो केवल इसके आगे लगा हुआ है, ठीक है, जिसको इनपुट कर दिया जाएगा, लेकिन अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो इसमें जा रहा है वो सीधे अगर स्पीकर को दे दिया जाए तो कुछ भी इसमें से आवाज नहीं निकलेगा। तो इसमें अंदर जो सर्किट है वो एम्पलीफायर है, ठीक। असली में आप मार्केट में अगर आप इसका बॉक्स देखें जिसमें ये खरीद के आया था, उस पर एम्पलीफायर ही लिखा हुआ था, वॉयस एम्पलीफायर इसको बोलते हैं, ठीक है, वॉयस एम्पलीफायर। तो ये रियल में एम्पलीफायर है, ठीक है, लेकिन ये एम्पलीफायर के साथ साथ इसमें स्पीकर भी फिट है, ठीक है। एम्पलीफायर का अलग सर्किट इसमें नहीं है, मतलब अलग नहीं है कि अलग बॉक्स में एम्पलीफायर हो, इसी में एम्पलीफायर भी है और आगे इसी में स्पीकर भी लगा हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाता है तो उस सिग्नल को ये एम्पलीफायर स्ट्रांग सिग्नल बनाता है, यानी उसके आयाम को बढ़ा देता है, ठीक है, और आयाम बढ़ा के उसी को स्पीकर को दे देगा, तो यहां से बढ़ा हुआ आवाज आपको सुनाई देता है। तो ये होता है आपका एम्पलीफायर, ठीक है। अब आप इस हेडिंग को लिख के और उसमें डिफिनेशन लिखिएगा कि वह डिवाइस जो लो एम्पलीट्यूड वाले सिग्नल को हाई एम्पलीट्यूड वाले सिग्नल में कन्वर्ट करता है उसे हम एम्पलीफायर कहते हैं। ये इतना लिख लीजिएगा, ठीक है, लिखवाने की जरूरत है नहीं। और फिर ऐसे एक बॉक्स बनाएगा, इसमें लिखिएगा एम्पलीफायर और यहां लिखिएगा लो एम्पलीट्यूड सिग्नल, लो एम्पलीट्यूड सिग्नल, ठीक है, और यहां आपको मिलेगा हाई एम्पलीट्यूड का सिग्नल।
चलिए अब इसके बाद ये तो हो गया, लेकिन अभी ये काम खत्म नहीं हुआ। अब इसमें आपको इसका सर्किट बनाना है, ठीक है, कि एम्पलीफायर का सर्किट कैसा होगा। मतलब असली में मैं बता रहा हूँ कि ये जो एम्पलीफायर है, जिसको लो सिग्नल देने पर, लो एम्पलीट्यूड का सिग्नल या वीक सिग्नल देने पर वो उसे स्ट्रांग सिग्नल में बदलता है, असली में ये काम कौन करता है, सर्किट कौन सा है। तो वो सर्किट ट्रांजिस्टर की मदद से बनता है और सी कॉन्फ़िगरेशन में इस्तेमाल किया जाता है। तो वो सर्किट मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ कि कैसे ये बनेगा। तो देखिए अब यहाँ पे सी कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, ठीक है, तो ये बीच में गोला, ठीक है, और यहाँ पे ये बेस सी में, यहाँ पे नीचे एमिटर रहेगा और इस साइड में ऐसे कलेक्टर रहेगा, ठीक है। और अब देखिए ये सी है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो यहाँ पे एरो बाहर की ओर रहेगा, ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए, तो ये बेस हो गया, ये कलेक्टर हो गया और ये एमिटर हो गया, ठीक है। और आपको मालूम है एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो आपको मालूम है कि ट्रांजिस्टर का बायसिंग करना पड़ता है, ठीक है। बायसिंग कैसे करते हैं, तो एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में रखकर और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस में रखकर, ठीक है। तो हमें यहाँ पे फॉरवर्ड बायस देना है और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस देना है। तो अब आप तो इतना समझ ही चुके हैं पिछले लेक्चर्स में कि कैसे यहाँ पे बैटरी का कनेक्शन करेंगे। इधर एक छोटा सा सेल लगाते हैं, इधर थोड़ी सी बड़ी सी बैटरी लगाते हैं, ये सब आपको समझा चुका हूँ। तो वो कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे जाहिर सी बात है ये NPN ट्रांजिस्टर है ना, तो NPN, तो ये P है, तो P को देंगे प्लस। तो चलो मैं ऐसे कनेक्ट कर दे रहा हूँ, लाओ यहाँ पे कनेक्ट कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैं एक छोटा सा सेल दिखा दे रहा हूँ, आप इसको सेल कहिए चाहे बैटरी कहिए, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे इस तरह से, चलो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, और इसको नाम क्या देंगे, तो इसको नाम देंगे VBB, ठीक है। और अगर इसे हमें बैरी कराना हो तो यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं, जिसको अप डाउन करके हम VBE, मतलब जो वोल्टेज हमको यहाँ पे प्राप्त करवाना है बेस और एमिटर के बीच में, उसको हम बैरी भी करा सकते हैं। चलो अभी छोड़ो, तो यहाँ पे हम लोग VBE लगा दिया। अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग इसके बीच में कैसे कनेक्शन करेंगे, तो इसके बीच में हम लोग कनेक्शन इस तरह से करेंगे, यहीं पे मैं एक बैटरी जोड़ रहा हूँ और ये यन है, पी है, यन है, तो यन को देंगे प्लस, तो हो जाएगा रिवर्स बायस। तो यहाँ पे हम लोग इस साइड में देंगे माइनस, उस साइड में देंगे प्लस, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया, इधर माइनस इधर प्लस, ये सब मैं आपको पहले के लेक्चर्स में काफ़ी डिटेल में समझा चुका हूँ, तो अब ज़्यादा टाइम उस पर खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और ये हो गया, इसका नाम क्या देंगे, VCC, कलेक्टर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये जो सर्किट मैं बनाया हूँ, ये एक एम्पलीफायर का सर्किट है, लेकिन अभी इसमें कुछ काम अभी करना पड़ेगा। मतलब एक देखो, अभी फिलहाल आपके लिए ये है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, मतलब एक ट्रांजिस्टर है जिसमें एमीटर कॉमन है, ये इनपुट टर्मिनल, ये आउटपुट टर्मिनल, और इस तरह से हमने बायसिंग कर दिया, तो ये हो गया कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। अभी ये एम्पलीफायर नहीं बना हुआ है अभी, देखो तो हमें छोटा सा इसमें काम करना पड़ेगा, तब जाके एम्पलीफायर बनेगा। एम्पलीफायर में हम लोग देते हैं सिग्नल, ठीक है, हम लोग सिग्नल देते हैं जो माइक से निकलता है, माइक से बताया ना कि दो ठे तार निकलेगा जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जिससे हम लोग देंगे। तो अब माइक को हम कहीं ना कहीं कनेक्ट करेंगे, वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल उत्पन्न करेगा, ठीक है। और जाहिर सी बात है हम स्पीकर को आउटपुट सिग्नल देंगे। तो देखो स्पीकर जो है वो एक तरह का लोड है, मतलब स्पीकर क्या, एक तरह का लोड है। तो लोड को हम लोग रजिस्टेंस से दर्शाते हैं, ठीक है, लोड को हम लोग रजिस्टेंस, हर एक लोड के अंदर रजिस्टेंस होता है। आखिर स्पीकर को जो जो आप करेंट दे रहे हैं स्ट्रांग सिग्नल, वो आखिर उसके अंदर जाकर कहीं ना कहीं किसी जगह पे फ्लो ही तो हो रहा है, किसी किसी पथ पे प्रवाहित ही तो हो रहा है। तो उस पथ का जो भी रेजिस्टेंस होगा उसी को हम कहेंगे लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो उस रेजिस्टेंस को हम यहां दिखाएंगे, ठीक है, मतलब जो हमारा लोड है उस लोड के रेजिस्टेंस को हम यहां दिखाएंगे, ठीक है। और ये चूंकि कलेक्टर से जुड़ा हुआ है तो इसको मैं लिख दे रहा हूं RC, ठीक है, ये लोड रेजिस्टेंस है। मतलब इसी में के अक्रॉस हमको आउटपुट चाहिए, आप बात समझिए, इसी के अक्रॉस ये जो लोड रेजिस्टेंस है इसी के अक्रॉस हमें यहाँ पे आउटपुट सिग्नल चाहिए, आउटपुट, ठीक है, आउटपुट यहीं पे हमको आउटपुट मिलेगा। आउटपुट का मतलब कि यहाँ पे हमको इस रेजिस्टेंस में हमको बढ़ी हुई धारा प्रवाहित होनी चाहिए, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा, मतलब जो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा यानी जो करंट इसमें प्रवाहित होगा उसका आप RC में गुणा कर दें तो वो वोल्टेज कहलाएगा। तो वो वोल्टेज भी हमको बढ़ा हुआ चाहिए, मतलब यहाँ करंट जो प्रवाहित होगा उसका आयाम ज़्यादा चाहिए, जो वोल्टेज इसके अक्रॉस आएगा उस वोल्टेज का आयाम ज़्यादा चाहिए। मतलब ये हमारा स्पीकर को मैं शो किया हूँ RC से, ठीक है, मतलब ये लोड रेजिस्टेंस और इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज
अधिक चाहिए, इसमें करंट अधिक चाहिए, ठीक है। ये हो गया आउटपुट, लेकिन इनपुट कहाँ देंगे, सिग्नल को कहाँ देंगे, तो सिग्नल को हमेशा इस साइड में देते हैं इनपुट के तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग माइक जोड़ देंगे, यानी अब सिग्नल को देखो ऐसे दिखाया जाता है, माइक को ऐसे, मतलब सिग्नल दिखाना इलेक्ट्रिकल सिग्नल है ना, तो ऐसे दिखा दिया जाता है ऐसे करके, मतलब ऐसे गोला करके उसके अंदर ऐसे, क्योंकि सिग्नल जो है वो वेरिएबल होता है, तो इसको हम लोग ऐसे दिखा देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा सिग्नल, ठीक है। इसको मैं सिग्नल को मैं ऐसे केवल भी यस लिख दे रहा हूँ, ठीक है, मतलब ये सिग्नल का वोल्टेज है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिग्नल, समझ में आया ना, चलो। और ये तो हो गया, अच्छा, और धारा की दिशा भी इसमें दिखा दीजिए, तो आपको मालूम है कि जो धारा प्रवाहित होता है वो किस दिशा में प्रवाहित होता है, तो एमीटर से धारा बाहर निकलता है, कलेक्टर से तब अंदर जाएगा और बेस से अंदर जाएगा, इस तरह से करंट का ऐसे प्रवाह होगा। देखो अब ये जो सर्किट मैं बनाया हूँ ये एक कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, इसको कहेंगे आप कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, मतलब ये जो हेडिंग यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर इन सी कॉन्फ़िगरेशन, उसी का ये सर्किट है, ठीक है। मतलब आप ये बॉक्स वाला बना के और ये रियल सर्किट इसका बना दीजिएगा, मतलब ये रियल सर्किट होता है एक। देखो अभी इसका बहुत डिटेल में आपको पढ़ना है, इसके बाद का जो चैप्टर नंबर यानी यूनिट नंबर जो 4 है उसका नाम है सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, फिर यूनिट नंबर 5 है उसका नाम मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, मतलब चौथा और पांचवा यूनिट जो है पूरा का पूरा एम्पलीफायर वाला ही है, और काफी डिटेल में आपको, अभी नहीं है कि एम्पलीफायर नहीं से बन जाएगा, अरे बहुत सारा काम उसमें करना पड़ेगा, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि ये जो चैप्टर है आपका बायसिंग एंड स्टेबलाइजेशन, ये समझने के लिए आपको एम्पलीफायर का इंट्रोडक्शन पहले समझना पड़ेगा। तो ये एम्पलीफायर का इंट्रोडक्टरी सर्किट है, एक बेसिक सर्किट है, ऐसा एम्पलीफायर होता है, ठीक है। अब इसको जब आप समझ लेंगे तो मैं मेन मुद्दे पे आऊंगा, बायसिंग एंड स्टेबलाइजेशन, इस चैप्टर में करना क्या है, ठीक है। तो ये होता है आपका एम्पलीफायर, यहां पे हम लोग देते हैं इनपुट सिग्नल और यहां पे हमको मिलता है आउटपुट सिग्नल। इनपुट सिग्नल को मैं भी आई लिख दे रहा हूं, ठीक है, इस यहां पे मैं भी आई लिख दे रहा हूं और आउटपुट सिग्नल को मैं भी ओ लिख दे रहा हूं, ठीक है। ये इनपुट है इनपुट सिग्नल और ये है आउटपुट सिग्नल भी ओ, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो बेस करंट इन कर रहा है और ये जो कलेक्टर करंट यहाँ से, ये जो बेस करंट इन कर रहा है और कलेक्टर करंट इन कर रहा है और एमीटर करंट जो आउट हो रहा है, इसको मैं किसी अक्षर से प्रदर्शित कर रहा हूँ, तो आपको मालूम है कि हम लोग इसके लिए आई बी आई सी और आई ई लिखते हैं। लेकिन थोड़ा सा देखो यहाँ पर नोटेशन को समझने की ज़रूरत है कि हम लोग किस अक्षर का यूज करेंगे। देखो यहाँ पर मैं स्मॉल आई और ऐसे लिख रहा हूँ, आई स्मॉल आई ऐसे, कैपिटल बी ऐसे, स्मॉल आई बी ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, ऐसे फिर लिख रहा हूँ यहाँ पे और फिर यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ आई सी, ठीक है। नोटेशन को थोड़ा समझने की जरूरत है, मैं बता रहा हूँ कि अगर ऐसे लिखा जाए तो उसमें क्या अंतर है और अगर इसी आई बी को ऐसे लिखा जाए तो उसका क्या मतलब हुआ और अगर इसी आई बी को ऐसे लिखा जाए तो उसका क्या मतलब हुआ, ठीक है। ये सब तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, आप इसमें से तीनों को कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि मैं किसको क्या मान के चलूंगा, तो अभी आपको ये सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। थोड़े देर के लिए ध्यान से मेरी बात को सुनिए। तो देखिए सबसे पहले तो ये बात सुनिए कि ये जो यहाँ पे हम लोग सिग्नल देते हैं वी आई, तो सिग्नल जो है इसको हम साइन वेव मान के चल रहे हैं, ठीक है, इसको हम साइन वेव मान के चल रहे हैं, यानी वैसे तो सिग्नल थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अप डाउन करने वाला सिग्नल होता है, ऑडियो सिग्नल का वैसा ही होता है, लेकिन हम इसे थोड़ा सा एनालिसिस करने के लिए सही तरीके से मानकर हम इसे साइन वेव मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम सिग्नल का ग्राफ बनाएं समय के रेस्पेक्ट में तो ग्राफ ऐसे निकल के आएगा, अगर हम इसे साइन वेव मान रहे हैं तब, कैसे, तो ऐसे देखिए इस तरीके से साइन वेव का ग्राफ ऐसे बन के आएगा, ठीक है। ये सिग्नल है, मतलब ये इनपुट सिग्नल का ग्राफ है, ये आप इसको इनपुट वोल्टेज कहिए चाहे इनपुट करंट कहिए चाहे इनपुट सिग्नल कहिए, ठीक है, ये इनपुट सिग्नल का ग्राफ है। अब यहाँ पे इस इनपुट सिग्नल को मैं करंट से दर्शा रहा हूँ, ठीक है, करंट से दर्शा रहा हूँ। देखिए सिग्नल का मतलब ये हुआ कि जब माइक उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा तो तारों में धारा प्रवाहित होगी, और जो दो तारे से ये माइक है मान लो, तो माइक से दो तारे से बाहर निकलेंगे तो अब इसमें ऐसे करंट का फ्लो होगा, ठीक है, करंट एक तार से ऐसे जाएगा दूसरे तार से ऐसे वापस आएगा, ऐसे ही तो करंट का प्रवाह होता है, और इन तारों के बीच में एक वोल्टेज होगा, ठीक है। तो आप चाहे करंट का ग्राफ बनाइए चाहे वोल्टेज का ग्राफ बनाइए, वो दोनों ग्राफ इनपुट सिग्नल का ग्राफ कहलाएगा, ठीक है। तो ये इनपुट सिग्नल का ग्राफ है जिसको मैं कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए, मैंने जटिलता को कम करने के लिए मैं इसको साइन वेव मान के चल रहा हूँ। अब आप एक बात बताइए, जो एसी होता है, देखो अभी आप बीडब्ल्यूई में एसी चैप्टर नहीं पढ़े हैं, लेकिन आपको ये बात अभी मैं बता दे रहा हूँ कि जो एसी सप्लाई होती है उसका भी ग्राफ इस तरह से बनता है, उसका भी ग्राफ साइन वेव ही होता है एसी का ग्राफ, जबकि डीसी का ग्राफ ऐसे स्ट्रेट होता है,
क्योंकि डीसी का मान और दिशा हमेशा नियत होता है, जबकि एसी का मान भी बदलता है और दिशा भी बदलता है, इसीलिए उसमें पॉजिटिव भी आता है और निगेटिव भी आता है, और मान घटता बढ़ता है, इसीलिए उसका मान ऐसे जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो होता है, फिर दिशा बदल जाती है और फिर मान जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम जीरो होता है, इसीलिए एसी का ग्राफ साइन वेव के रूप में बनता है। ठीक है, ये साइन थीटा का यानी साइन वेव इसको कहते हैं। अगर आप साइन थीटा का ग्राफ खींचें तो 0 डिग्री पर जीरो होता है, 90 डिग्री पर मैक्सिमम होता है, फिर 180 डिग्री पर जीरो होता है, मतलब साइन का भी ग्राफ ऐसे ही आएगा, इसलिए इसको साइन वेव कहते हैं। तो ये जो ग्राफ है, ये चूंकि एसी के जैसा ये ग्राफ मिल रहा है, वेरिएबल है, इसका मान दिशा सब बदल रहा है, ठीक है, कभी पॉजिटिव है कभी निगेटिव है, इसीलिए इस सिग्नल को हम लोग एसी सिग्नल कहते हैं। ये बड़ा सा याद रखिएगा कि जो हम लोग सिग्नल देते हैं एम्पलीफायर को, उसको हम लोग कई बार, मैं इस वर्ड का यूज करूंगा कि हाँ यहाँ पे एसी सिग्नल है। एसी सिग्नल मतलब वही जो माइक सिग्नल देगा, मतलब माइक जो ऑडियो को इलेक्ट्रिकल बना के देगा, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल है वो डीसी के रूप में नहीं होगा, क्योंकि आवाज की प्रकृति ऐसी होती है कि वो कभी अप डाउन करेगा, तो जाहिर सी बात है उसका जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनेगा तो वो एसी के रूप में होगा, ठीक है, बैरी करने वाला सिग्नल होगा, तो इसको हम एसी सिग्नल बोलेंगे। आउटपुट भी जो मिलेगा वो थोड़ा सा आयाम बढ़ के मिलेगा, लेकिन वो भी एसी सिग्नल ही होगा, ठीक है। तो अब देखो, जो एसी सिग्नल है उसको हम लोग इस अक्षर से, मतलब जो एसी सिग्नल का जो करंट है उसको हम लोग इस अक्षर से, अगर बेस करंट की बात की जाएगी तो उसको इस अक्षर से प्रेरित करेंगे, मतलब दोनों जगह स्मॉल, दोनों जगह स्मॉल, ठीक है। और जो डीसी सिग्नल है, मान लो कि यहाँ पे अगर हम ये सिग्नल नहीं लगाते, सपोज दैट कि अगर हम यहाँ पे ये सिग्नल नहीं देते, ठीक है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे इनपुट सिग्नल नहीं देते तो यहाँ पे केवल बेस करंट प्रवाहित होता ना, और ये बेस करंट केवल प्योरली डीसी होता कि नहीं, ये बेस करंट केवल इस बैटरी से प्रवाहित होता, बैटरी से डीसी निकलता है, तो उस समय जो बेस करंट यहाँ प्रवाहित होता उसको हम कैपिटल आई भी लिखेंगे, कैपिटल आई भी, मतलब ए भी कैपिटल से और ए भी कैपिटल से, मतलब तब मैं यहाँ स्मॉल आई नहीं लिखता बल्कि कैपिटल आई लिखता, ठीक है, कैपिटल आई भी, याद रखिएगा, मैं कहीं भी अगर कैपिटल आई भी लिखूंगा, ये नोटेशन मैं लेके चलूंगा, हो सकता है किसी किताब में थोड़ा सा इसको दे दे डीसी सिग्नल, इसको दे दे, मतलब बदल सकता है, लेकिन कोई आप एक लेके चलिए, जो मैं बता रहा हूं वही लेके चलिए, ठीक है। तो अगर दोनों कैपिटल में मैं लिखूंगा तो उसका मतलब हो गया डीसी सिग्नल, यानी सिग्नल मौजूद नहीं है, एसी सिग्नल मौजूद नहीं है, केवल यहां पे डीसी सिग्नल है, ठीक है। तो इसके लिए मैं इसका प्रयोग करूंगा, ठीक है, तो ये हो गया डीसी सिग्नल, एसी सिग्नल के लिए मैं इसका प्रयोग करूंगा, सॉरी एसी, हाँ एसी सिग्नल के लिए मैं इसका प्रयोग करूंगा, ठीक है। और इसका प्रयोग मैं किसके लिए करूंगा, फिर से यहाँ पे देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे आई डीसी सिग्नल के लिए इसका प्रयोग, ठीक है, एसी सिग्नल के लिए दोनों इस्तेमाल में, दोनों कैपिटल में, और इसके लिए जब एक कैपिटल हो एक इस्तेमाल हो, इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो अब इसको मैं अभी बता रहा हूँ इसका मतलब क्या हुआ। ये जो आई बी है ना, आई बी, ये इन दोनों का योगफल होगा, मतलब जब आप यहाँ पे सिग्नल भी लगा देंगे, सिग्नल भी लगा देंगे तो बैटरी भी तो पहले से है, तो दो तरह का धारा यहाँ से इन करेगा, एक होगा जो पहले जा रहा था, ये कैपिटल आई बी डीसी करेंट, डीसी वाला बेस करंट, और एक जो इस सिग्नल की वजह से जाएगा यानी एसी वाला बेस करंट, और इन दोनों का योगफल यानी जो दोनों का परिणामी होगा वो वाला बेस करंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं परिणामी वाला दिखा रहा हूँ, इसलिए परिणामी वाला दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं सिग्नल लगा चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जब सिग्नल लगा दिया, यहाँ पे मैं भी आई जब लगा दिया सिग्नल वोल्टेज, तो मैं जब ये लगा दिया तो उस कंडीशन में अब यहाँ पे जो करंट इन करेगा वो एसी प्लस डीसी का मिक्स होगा, ठीक है। अगर मैं नहीं लगाता तो मैं केवल ये वाला अक्षर इस्तेमाल करता, कैपिटल आई और कैपिटल बी के मदद से जो लिखता, आई भी लिखता, उसको मैं प्रयोग करता, ठीक है। लेकिन यहां पे दोनों है इसलिए मैं ऐसा यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे ये जो ग्राफ मैं बगल में दिखा रहा हूँ, मतलब यहाँ पे ये जो जब आप इनपुट सिग्नल यहाँ पे लगा देंगे, मान लो कि यहाँ पे इनपुट सिग्नल मतलब जो सिग्नल का वोल्टेज है उसको आप यहाँ पे लगा दिए, तो उसके वजह से केवल इस सिग्नल की वजह से जो करंट इन करेगा, मतलब जो केवल सिग्नल का, देखो सिग्नल भी तो एक एक वोल्टेज है चाहे एक करंट है, तो उसका जो करंट का ग्राफ आप दिखाएंगे वो इस तरह से बन के आएगा। मतलब माइक अगर है तो जब उस माइक पे आप बोलेंगे तो जो उसके इन दोनों तारों के बीच में जो वोल्टेज का चाहे इसमें जो धारा बह रही है उसका जो ग्राफ आएगा, उस ग्राफ को मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, मतलब एक प्योरली सिग्नल का ग्राफ है, ठीक है। तो अब ये सिग्नल के करंट का मैं दिखा रहा हूँ, तो इसको मैं इस अक्षर से प्रदर्शित कर रहा हूँ, देखिए इस अक्षर से सिग्नल का है तो दोनों इस्माल में, देखिए आई बी, ये बात आपको समझ में आया ना, ठीक है, दोनों इस्माल लेटर्स में प्रदर्शित किया हूँ, तो ये सिग्नल के इनपुट करंट का ग्राफ हो गया, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अब यहाँ पे ये तो ठीक है, ठीक है। अब देखिए, इधर आपको जो आउटपुट मिलेगा, जो इधर आउटपुट का ग्राफ मिलेगा यहाँ पे,
इसका जो आउटपुट करंट का मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, मतलब जो आईसी ऐसे इसमें फ्लो होगा इस पर। देखो इतना तो आपको ट्रांजिस्टर में मालूम है कि जब बेस करंट इन करेगा तो तुरंत ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है और कलेक्टर करंट भी ऐसे प्रवाहित होता है। ये समय आपको पढ़ा चुका हूँ कि जब इधर से धारा इन करती है तो इधर से बेस करंट इन करेगा तो इधर से कलेक्टर करंट ऐसे जाएगा, दोनों मिलकर इधर आई से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। और आई में से बेस करंट इधर चला जाएगा और कलेक्टर करंट इधर चला जाएगा, इस तरह से सर्किट बंद पूरा होता है। तो अब देखो यहाँ पे मैं इस साइड में थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस साइड में मैं आउटपुट करंट का ग्राफ दिखा रहा हूँ, यहाँ मैं इनपुट सिग्नल करंट का ग्राफ दिखाया हूँ और यहाँ मैं आउटपुट करंट यानी इसका ग्राफ दिखाने जा रहा हूँ, मतलब टोटल वाले का ग्राफ दिखाने जा रहा हूँ, मतलब एक आपका स्मॉल लेटर से और एक कैपिटल लेटर से, यानी ये टोटल यानी एसी प्लस डीसी का जो मिक्स यहाँ पे आएगा वो कैसा आएगा वो मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाने जा रहा हूँ। चलो मतलब कलेक्टर करंट यहाँ पे किस तरह से प्रवाहित होगा ये मैं आपको यहाँ पे मैं केवल सिग्नल का दिखाया हूँ कि सिग्नल जो है इसलिए दोनों स्मॉल से लिखा हूँ, ठीक है। ये कैपिटल सी है, देखो कैपिटल सी और स्मॉल सी में कोई अंतर नहीं होता है, इसलिए दिखने में आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन ये कैपिटल सी है, ठीक है। थोड़ा चलो इसको बड़ा ही लिख दे रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ ताकि पता चले, ठीक है। कैपिटल सी है तो अब देखिए, तो यहाँ पे ये एसी के इनपुट सिग्नल का ग्राफ है, मतलब उसके करंट का ग्राफ है जो माइक की वजह से पैदा होगा, ऑडियो सिग्नल जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलेगा, तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है कि अब आउटपुट सिग्नल मतलब यहाँ पे जो आईसी है, आईसी ये दो प्रकार के धाराओं का योगफल है, कौन कौन, तो आईसी जो है ये दो प्रकार के धाराओं का योगफल है, एक आई स्मॉल सी और एक दोनों कैपिटल में। ये अब इन दोनों का मतलब आप समझिए, देखो बात यह है कि जब ये सिग्नल मौजूद नहीं होता, जब ये सिग्नल मौजूद नहीं होता तो उस कंडीशन में यहाँ पे केवल डीसी वाला कलेक्टर करंट ऐसे प्रवाहित होता, डीसी वाला कलेक्टर करंट, ठीक है, उसका मान कांस्टेंट। लेकिन जब आप सिग्नल यहाँ पे लगा देंगे तो उस कंडीशन में ये भी प्रवाहित होने लगेगा, ठीक है। तो जब जब इसका भी प्रवाह शुरू हो जाएगा, इसका भी प्रवाह जब शुरू हो जाएगा तो उस कंडीशन में जो टोटल करंट प्रवाहित होगा वो इन दोनों का योगफल होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये कंफ्यूज कर रहा है तो मैं आपके आपको समझाने के लिए एक काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको आपको समझाने की सुविधा के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी भी तरह का आपको कंफ्यूजन दिमाग में रहे, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, अभी मैं 2 मिनट के लिए सिग्नल को हटा दे रहा हूँ। चलो मान लो कि सिग्नल को मैं हटा दिया, यानी एसी को मैं हटा दिया, सिग्नल को एसी बोलते हैं ना, तो एसी सिग्नल को मैं हटा दिया। अब इस ट्रांजिस्टर में केवल और केवल डीसी है, ठीक है, यहाँ से डीसी करंट प्रवाहित होगा, डीसी करंट को मैं कैपिटल आई भी लिखूंगा यहाँ पे, आपको इतना तो बता चुका हूँ, तो ठीक है। उसका ग्राफ कैसे बनेगा जरा बताओ, तो उस समय इसका अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो अब इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा कि नहीं आप बताइए, इस तरह से इसका ग्राफ कांस्टेंट है ना, यहाँ से जो धारा इन करेगी ये कैपिटल आई भी है, अभी अभी देखो बार बार मिटा के लिखने में दिक्कत होता है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए कैपिटल आई भी है क्योंकि केवल डीसी यहाँ पे है, तो डीसी करंट यहाँ से जाएगा, तो यहाँ से अगर डीसी करंट जाएगा तो यहाँ से भी तो डीसी करंट ही प्रवाहित होगा, क्योंकि इधर भी देखो इधर जब सिग्नल नहीं है तो इधर भी कोई आउटपुट सिग्नल नहीं पैदा होगा एसी वाला, इधर भी केवल डीसी प्रवाहित होगा और दोनों डीसी मिलकर यहाँ से डीसी निकल आएगा, ठीक है। तो डीसी का ग्राफ कैसे बनता है, अगर आप टाइम के रेस्पेक्ट में डीसी का ग्राफ बनाएं तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा कि नहीं, आप बताइए इस तरह से ये ग्राफ बनेगा कि नहीं कांस्टेंट। अब इसका मान कितना होगा, इसकी हाइट कितनी होगी, करंट जो है इसका मान कितना होगा, तो आई बी जाहिर सी बात है इसका मान होगा, ये जो हाइट है ये आई बी होगा, आई कैपिटल बी, क्योंकि ये डीसी वाला करंट है, ये बात समझ में आया ना, ठीक है। तो ये मैं आपको कहना चाह रहा था कि जब यहाँ पे एसी सिग्नल नहीं होगा तो उस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट धारा प्रवाहित होगी, इस यहाँ से इन करेगा, उसी तरह से आउटपुट पे क्या होगा, तो आउटपुट पे भी कांस्टेंट धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। आईसी और आईसी का ग्राफ मान लो कि मैं ऐसे शो कर दे रहा हूँ इस आईसी के ग्राफ को, ठीक है, ये कांस्टेंट आईसी ऐसे प्रवाहित हो रहा है, चलो ये इसको भी मैं कैपिटल कैपिटल से प्रसिद्ध कर रहा हूँ आईसी, ठीक है। अच्छा अब लेकिन दोनों में आईसी और आईबी में एक अंतर होगा, तो अगर आप भूले ना हो तो एक अंतर होगा यहाँ पे, ये भी टाइम के रेस्पेक्ट में है, एक अंतर होगा कि ये जो है माइक्रो एम्पियर में होगा और ये मिली एम्पियर में होगा, इसका मान बहुत कम होता है, आईबी का मान बहुत कम होता है, आईसी का मान ज़्यादा होता है, ठीक है, ये मिली एम्पियर में माइक्रो एम्पियर में, तो ये तो आपको पता ही है, आईसी बटे आईबी को हम लोग बीटा कहते थे, ठीक है, और बीटा का मान आपको मालूम है ज़्यादा होता है, तो ये तो चलो ठीक है। अब देखिए अब मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लो सिग्नल लगा दो, मतलब अभी डीसी के लिए ग्राफ बना चुका हूँ मैं, ठीक है, जब डीसी है केवल तो उसके लिए मैं ग्राफ बना दिया, यहाँ पे कैपिटल आई बी, यहाँ पे कैपिटल आई सी, ठीक है, और केवल एक कांस्टेंट धारा, यहाँ पे कांस्टेंट धारा, ये थोड़ी ज़्यादा धारा है मिली एम्पियर में, ये माइक्रो एम्पियर में है। चलो अब यहाँ पे सिग्नल दो, तो देखिए जब मैं यहाँ पे सिग्नल दूंगा तो क्या होगा, मान लो मैं यहाँ पे सिग्नल लगा दिया, अब ये सिग्नल जो है इसका नेचर एसी का है, अप डाउन करने वाला, ठीक है, तो अब ये सिग्नल यहाँ पे लग गया, अब ग्राफ यहाँ का कैसा बनेगा, मतलब अब यहाँ पे जो धारा प्रवाहित होगी वो
पहले से जो डीसी है मतलब जो कैपिटल आईबी है वो तो रहेगा ही रहेगा, वो खत्म थोड़ी हो जाएगा, वो पहले से है तो रहेगा यानी। और बाद में केवल इस एसी के वजह से जो करंट पैदा होगा वो उसमें जुड़ेगा, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं पहले ये था, ठीक है, पहले ये था आई कैपिटल बी, और अब केवल एसी की वजह से, केवल एसी को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ दोनों को इस्तेमाल से, ठीक है। तो अब ये जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा, ये सॉरी ये बन जाएगा, ठीक है। ये यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये प्योर डीसी वाला, ये प्योर एसी वाला दोनों जुड़ गया, तो इसको मैं कह रहा हूं टोटल, टोटल जो करंट, अब बेस करंट इसको आप कहेंगे, बेस करंट मतलब सिग्नल की मौजूदगी में ये बेस करंट है, सिग्नल नहीं होता तो ये बेस करंट था, ठीक है। केवल सिग्नल होता ये बैटरी नहीं होती तो ये बेस करंट था, ठीक है। लेकिन जब दोनों साथ में है तो ये बेस करंट है, मतलब इस नोटेशन का मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब चलो आप बताइए कि केवल जरा इसी में आप ये बताइए कि इसी में अगर मैं सिग्नल लगा दूँ तो सिग्नल का रूपरेखा कैसा है, साइन वेव के रूप में है, तो अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, मतलब आपको बताना है कि अब आई बी का ग्राफ कैसा बनेगा। तो देखो सिग्नल जब अप होगा मतलब सिग्नल जब बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ का जो वोल्टेज है, यहाँ पे आप कुछ वोल्टेज बैटरी को ऐसे दिए हुए हैं, मान लो कि यहाँ पे 2 वोल्ट दिए हुए हैं और सिग्नल जो है वो आधा वोल्ट ऊपर जा रहा है आधा वोल्ट नीचे जा रहा है, मतलब 0 से आधा वोल्ट तक पहुंच रहा है, फिर आधा वोल्ट से 0 वोल्ट तक पहुंच रहा है, फिर निगेटिव में आधा वोल्ट तक जा रहा है, इस तरह से जा रहा है। तो देखो जब सिग्नल का मान बढ़ेगा तो सीधी सी बात है ये दोनों वोल्टेज आपस में जुड़ जाएंगे, मतलब वी बी बी और सिग्नल वाला वोल्टेज वी आई दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो जब दोनों वोल्टेज जुड़ जाएंगे तो जो बेस एमिटर जंक्शन है उसका जो फॉरवर्ड बायस है वो बढ़ जाएगा, बेस एमिटर जंक्शन का फॉरवर्ड बायस बढ़ जाएगा। आपको ये सब मैं बता चुका हूँ कि बेस एमिटर जंक्शन का जो फॉरवर्ड बायस है वो बढ़ जाएगा, और जब फॉरवर्ड बायस बढ़ जाएगा तो एमिटर से ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन बेस में जाएंगे, यानी सीधी सी बात यह है कि आपका ये बेस करंट जो है बढ़ जाएगा, ठीक है, बेस करंट बढ़ेगा। लेकिन उसका उसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो उसका ग्राफ सिग्नल के हिसाब से बनेगा। तो देखिए मतलब जो बेस करंट केवल डीसी के रूप में ऐसा था वो अब इससे उसका मान ऐसे उठेगा और फिर इसका मान ऐसे डाउन होगा। अब फिर जब सिग्नल का मान, अब सिग्नल तो चूंकि निगेटिव में भी जाता है तो सिग्नल जब निगेटिव में जाएगा तो ये वोल्टेज को डाउन करेगा, और वोल्टेज जब डाउन होगा यानी फॉरवर्ड बायस कम होगा यहाँ का बेस एमिटर का, तो अब कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन उधर जाएंगे बेस एमिटर से बेस की तरफ, यानी अब कम मात्रा में धारा बनेगी बेस करंट, यानी अब बेस करंट का मान कम होगा। चलिए तो देखिए इस तरह से जो टोटल जो ग्राफ बनेगा, मतलब अब ये जो ग्राफ है ये केवल डीसी के उपस्थिति में है, लेकिन डीसी और एसी अगर दोनों मौजूद हो तो आपका ये ग्राफ बनेगा। ये बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये ग्राफ मतलब जो जो ये बेस करंट है यहाँ, ये ग्राफ किसका है, ये बेस करंट का है, आई कैपिटल बी का है, दोनों के योगफल का है, ठीक है। पहले से धारा ये थी लेकिन जैसे ही ये सिग्नल आएगा तुरंत ये धारा कॉन्स्टेंट नहीं रह जाएगी, ये धारा इस कॉन्स्टेंट वाले से थोड़ा ऊपर उठेगी, ठीक है, धीरे धीरे ऐसे ऊपर उठेगी, फिर कम होते हुए कांस्टेंट तक आएगी, क्योंकि सिग्नल का मान कभी 0 भी होता है बीच में, अब फिर इस धारा का मान थोड़ा कम भी होगा, ठीक है, और कम होकर फिर इस धारा का मान फिर 0 होगा, और यही इसी तरह से आपका यहाँ पे बेस करंट का मान अप डाउन होता रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं ये आपसे बोलूं कि केवल आप सिग्नल का ग्राफ बनाइए, केवल सिग्नल का, मतलब जैसे ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ यहाँ बनाया गया है ये तो टोटल बेस करंट का है, लेकिन मैं केवल इसका ग्राफ आपसे पूछूं कि केवल एसी सिग्नल का आप ग्राफ बनाइए, इसका दोनों जो स्मॉल लेटर में मैं लिख रहा हूँ, तो इसका ग्राफ केवल कैसे बनेगा, तो इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। थोड़ा सा यहाँ पे जगह की दिक्कत है, चलो ये तो आप लिख लिए होंगे ना, ये बॉक्स वाला तो हो ही गया है। तो देखिए केवल अगर मैं सिग्नल का ग्राफ आपसे पूछूं तो केवल सिग्नल का ग्राफ ऐसे बनेगा कि नहीं, यहाँ पे मान लो केवल आई स्मॉल बी का मैं ग्राफ आपसे पूछूं तो इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा कि नहीं, इसको तो नीचे भी ऐसा करना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। मतलब सिग्नल जो है उसका मान, मान लो कि ये समय है, ठीक है, तो उसका मान पॉजिटिव में होगा, ठीक है, बेस करंट उसका पॉजिटिव, मतलब सिग्नल का मान पॉजिटिव में होगा और फिर सिग्नल का मान 0 होगा और फिर निगेटिव में होगा और 0 होगा, ये सिग्नल का रूपरेखा होता है, ठीक है, इस तरह से। मतलब अगर ये बैटरी नहीं लगाई जाती, या सोचो जरा सा कि अगर ये बैटरी नहीं लगाई जाती तो क्या होता, जरा सोचिए अगर ये बैटरी नहीं लगाई जाती तो उस कंडीशन में क्या होता कि जब सिग्नल का ये वाला चक्र आता, पॉजिटिव वाला चक्र आता, तो उस समय बेस एमिटर जंक्शन जो है फॉरवर्ड बायस में होता, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव चक्र का मतलब क्या हुआ कि ऊपर प्लस और नीचे माइनस, ठीक है, तो जाहिर सी बात है बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड में होता, और फॉरवर्ड में होता तो उस समय आपका बेस करंट प्रवाहित होता इस तरह से घटते बढ़ते हुए मैक्सिमम पे जाता फिर 0 होता। लेकिन अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर ये बैटरी यहां पे नहीं होती तो
जब ये निगेटिव वाला चक्र यहाँ पे आता तो उस समय जो बेस एमिटर जंक्शन है वो रिवर्स बायस में हो जाता, और अगर बेस एमिटर जंक्शन रिवर्स बायस में हो गया किसी भी ट्रांजिस्टर का, किसी भी ट्रांजिस्टर का अगर ये वाला जंक्शन बेस एमिटर वाला, ये एमिटर है ये बेस है कलेक्टर, अगर ये रिवर्स बायस में हो गया तो एमिटर से इलेक्ट्रॉन बेस में जाएंगे ही नहीं, यानी धारा का प्रवाह बेस या ये धारा बहेगी ही नहीं, और ये धारा नहीं फ्लो होगी तो ये धारा नहीं फ्लो होगी, यानी आपको आउटपुट पर इस हिस्से में कोई सिग्नल मिलेगा ही नहीं। जब बेस नहीं प्रभावित होगा तो कलेक्टर नहीं प्रभावित होगा, यानी आपको आउटपुट पर केवल इतने ही दूर का ऐसे सिग्नल मिलेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप सीधे एसी, खाली एसी सिग्नल आप दे दें किसी एम्पलीफायर को, तो उस समय आपका जब निगेटिव साइकिल आएगा उस सिग्नल का, तो बेस एमिटर जंक्शन रिवर्स बायस में हो जाएगा और सिग्नल डिस्टॉर्ट, मतलब आउटपुट पर जो सिग्नल है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, विकृत हो जाएगा, मतलब सिग्नल ही अपना रूपरेखा चेंज करेगा। आपको यहां पर सिग्नल को डिस्टर्ब नहीं करना है, सिग्नल को विकृत नहीं करना है, सिग्नल का पैटर्न वही रखना है जो पहले था, केवल उसके आयाम को बढ़ाना है। तो आपको यह बात जरूर समझ में आ गई होगी कि ट्रांजिस्टर के लिए या एम्पलीफायर के लिए, जब आप ट्रांजिस्टर का प्रयोग एम्पलीफायर के रूप में करेंगे, तो यह बैटरी कितनी इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर यह बैटरी नहीं होता, देखो आपको इस चैप्टर का नाम है ट्रांजिस्टर बाइसिंग एंड स्टेबलाइजेशन, मतलब कहीं ना कहीं आपको एक फीलिंग देना चाहता हूं कि बाइसिंग क्यों जरूरी है। बाइसिंग, इसी को तो बाइसिंग कहते हैं कि एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस देना और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस देना। तो यह बाइसिंग क्यों जरूरी है? अगर ये बायसिंग नहीं होता, सीधे हम सिग्नल दे देते, तो आपको बात समझ में आया कि नहीं कि ग्राफ ऐसे बनता, मतलब ग्राफ पॉजिटिव में होता तब तक तो ये बेस करंट प्रवाहित होता और सिग्नल भी मिलता, लेकिन जब ये निगेटिव में आता तो उस समय आपका ये रिवर्स बेस एमिटर जंक्शन रिवर्स बायस में हो जाता, क्योंकि उस समय यहाँ माइनस हो जाता और यहाँ प्लस हो जाता। देखो एसी में यही तो होता है कि एसी के पॉजिटिव साइकिल के दौरान ऊपर प्लस रहेगा और नीचे माइनस रहेगा, और जब निगेटिव साइकिल आएगा तो ऊपर माइनस हो जाएगा नीचे प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा आपको अगर ये नहीं क्लियर समझ में आ रहा है तो आप जब एसी पढ़ेंगे BEE में तो आपको वो क्लियर समझ में आ जाएगा, लेकिन एसी में यही होता है कि उसका प्लस माइनस चेंज, बैटरी डीसी में प्लस माइनस फिक्स होता है जबकि एसी में प्लस माइनस बदलता रहता है। तो जब ये प्लस माइनस चेंज होगा तो रिवर्स बायस में आ जाएगा और उस समय आपको आउटपुट पे कोई यानी सिग्नल नहीं मिलेगा, यानी सिग्नल डिस्टॉर्ट हो गया, विकृत हो गया। लेकिन जब आपने बायसिंग दिया तो आप सोचो कि जब आप केवल, मान लो कि ये ग्राफ जो मैं बनाया हूँ ये केवल एसी सिग्नल का है, एक ग्राफ में बनाया हूं केवल डीसी सिग्नल का है, ठीक है, ये कैपिटल आईसी है, कैपिटल आईसी, ये केवल डीसी सिग्नल का ग्राफ है, कैपिटल आईसी कह रहा हूं, कैपिटल आईबी है, ठीक है, ये केवल डीसी सिग्नल का ग्राफ है, ठीक है, ये डीसी का ग्राफ है, ये केवल एसी का ग्राफ है। लेकिन जब आप इन दोनों को जोड़ देंगे, जब आप इन दोनों ग्राफों को जोड़ देंगे तो ऐसा ग्राफ बनेगा, बात को समझिए, ठीक है, मतलब जो टोटल बेस करंट यहाँ पे प्रवाहित होगा, यानी IB इज इक्वल टू ये वाला IB, AC वाला IB और ये DC वाला IB, इन दोनों का योगफल ये वाला, तो पहले से ये फ्लो हो रहा है, तो अब इसी के ना ऊपर जाएगा जी, इसी के ना ऊपर यहाँ पे जो बेस करंट होगा, जाहिर सी बात है जब ये ग्राफ और ये ग्राफ आपस में मिक्स आप करेंगे तो पहले से ये कॉन्स्टेंट धारा थी, अब इसी धारा, ये जो धारा है इसी का मान यहाँ बढ़ेगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जब यहाँ बैटरी है इस तरह से, जब यहाँ पे इस तरह से बैटरी है यहाँ प्लस माइनस, तो जाहिर सी बात है इसका अपना कुछ वोल्टेज है और सिग्नल का अपना कुछ वोल्टेज है, तो सिग्नल इस वोल्टेज में जब जब सिग्नल का पॉजिटिव साइकिल आएगा ये वाला, तो दोनों वोल्टेज आपस में जुड़ेंगे। अगर दो, या इसका भी ऊपर प्लस है और इसका भी नीचे माइनस है, दो बैटरियां ऐसे जोड़ी गई हों तो इसको सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं, मतलब दोनों बैटरियों का वोल्टेज जुड़ जाएगा। तो इसका वोल्टेज जब जुड़ेगा तो सीधी सी बात है कि ज़्यादा मात्रा में फॉरवर्ड बायस हो जाएगा बेस एमिटर पे, तो बेस करंट बढ़ेगा। तो देखो यहाँ पे पहले बेस करंट इतना था जब केवल डीसी था, तो लेकिन अब उसका मान बढ़ गया, अपने डीसी वाले मान से भी ऊपर चला गया, ठीक है। और फिर जब यहाँ पे ऊपर माइनस आएगा और नीचे प्लस आएगा, तो उस कंडीशन में जाहिर सी बात है ये वोल्टेज इस वोल्टेज के मान को घटाएगा। अब ये दोनों घटेंगे तो घटेगा, तो यहाँ पे बेस करंट घटेगा, मतलब पहले जो बेस करंट था वो थोड़ा सा उससे डाउन होगा। हाँ, अब एक बात जरूर है कि सिग्नल का मान उतना नहीं होना चाहिए पॉजिटिव में चाहे निगेटिव में, खास करके निगेटिव में, वैसे तो जितना पॉजिटिव होगा उतना ही निगेटिव होगा, तो इस सिग्नल का मान इस वोल्टेज से बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब इस सिग्नल का जो आयाम है वो इस बैटरी के वोल्टेज से ज़्यादा, क्योंकि अगर इसका मान बैटरी के वोल्टेज से ज़्यादा हो गया तब ये ग्राफ मान लो कि ऐसे ऊपर प्लस जाए और फिर नीचे आके फिर ये इसके नीचे आ गया, तो फिर यहाँ रिवर्स बायस हो जाए, मतलब निगेटिव में अगर ये बेस करंट आ गया, अगर बेस करंट निगेटिव में आ गया, निगेटिव में आने का मतलब ये होगा कि बेस करंट फ्लो ही नहीं होगा, ठीक है, वोल्टेज निगेटिव में आ जाएगा तो उस कंडीशन में जाहिर सी बात है कि यहाँ पर रिवर्स बायस हो जाएगा, तो फिर आपको सिग्नल डिस्टर्ब होकर मिलेगा। तो यही तो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है कि हमको किस तरह से हम बायसिंग एम्पलीफायर का करेंगे, ठीक है। तो बायसिंग का एक बात हो गया,
कि इसका जो वोल्टेज है वो इसका जो वोल्टेज है इसका मान इसके आयाम से मतलब इसका जो मैक्सिमम मान है उसे थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए। वैसे भी देखो सिग्नल जो होता है ना वो इतना वीक होता है कि उसका उसका जो एम्पलीट्यूड आता है मतलब उसका जो ये वोल्टेज का मान या करंट का जो मान आएगा वो बहुत कम आएगा आता है, ठीक है। तो जनरली जब आप यहाँ पर डीसी लगा देंगे बैटरी लगा देंगे तो ऐसा नहीं होगा कि ये मतलब उस कंडीशन में भी ये रिवर्स बायस में चला जाएगा, ठीक है। तो और यहाँ पर आपको सफिशियंट इसलिए तो यहाँ पर बायसिंग के लिए जो सेल लगाएंगे उसका मान एक निश्चित मान से अधिक ही रखेंगे, यानी कि एकदम नाम मात्र का वोल्टेज लगा दिया तब तो चला ही जाएगा रिवर्स बायस में, ठीक है। तो ये होता है आपका इनपुट सिग्नल के साथ। तो ये बात आपको समझ में आया कि नहीं? देखिए मैंने थोड़ा सा सर्किट को फिर से सही बना दिया है, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे मतलब एसी भी यहाँ डीसी भी है और एसी भी है सिग्नल, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे मैंने केवल सिग्नल का ग्राफ बनाया है, ये ध्यान दीजिएगा। मैंने यहाँ पे मैंने ये बेस करंट का नहीं इसका ग्राफ मैंने नहीं बनाया है, मैंने केवल सिग्नल का ग्राफ यहाँ पे बनाया है कि सिग्नल का ग्राफ कैसे होगा। तो सिग्नल का ग्राफ जब आप बनाएंगे तो ये जो एक्सिस है टाइम वाला एक्सिस इसके ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा, केवल सिग्नल का ग्राफ है। यहाँ मैंने लिख दिया है देखो आईबी क्या है बेस करंट ड्यू टू एसी सिग्नल, ठीक है। केवल एसी सिग्नल के वजह से जो बेस करंट प्रवाहित होगा उसका ग्राफ है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, ठीक है, ये हो गया बेस करंट ड्यू टू एसी सिग्नल। मतलब अगर केवल सिग्नल होता तो ऐसा ग्राफ आपका करंट का ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। सच में तो करंट फ्लो ही इस वाले जो निगेटिव वाले में तो करंट फ्लो ही नहीं होगा, बात ये भी समझिएगा। लेकिन लिखना ऐसे पड़ेगा आपको कि अगर यहाँ पे मतलब जो करंट यहाँ पे डेवलप होता केवल सिग्नल की वजह से उसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया बेस करंट ड्यू टू एसी सिग्नल। व्हाट इज आईबी? तो आईबी है बेस करंट ड्यू टू बैटरी वीबीबी। मतलब अगर केवल बैटरी होती है सिग्नल नहीं होता केवल बैटरी होता तो आईबी होता, और आईबी का ग्राफ आप जान ही रहे हैं कैसा बनेगा। डीसी है तो डीसी का ग्राफ ऐसे बनता है इस तरह से, इस तरह से डीसी का ग्राफ ऐसे बनता है ऐसे, ठीक है। ये डीसी का ग्राफ हो गया, आईबी का ग्राफ ऐसे बनता है कैपिटल आईबी का। लेकिन और ये क्या है? तो ये टोटल बेस करंट है, मतलब आई स्मॉल वाला आईबी और कैपिटल वाला आईबी दोनों को जोड़ दो। तो जब दोनों एक साथ रहेंगे तो जाहिर सी बात है ऐसा होगा, दोनों को एक साथ रखना मजबूरी है, जरूरी है। क्यों है ऐसा? क्योंकि अगर आप केवल इसी सिग्नल देंगे तो ये वाला जो पोर्सन है इस पोर्सन में जब करंट का सिग्नल का ये वाला पार्ट आएगा निगेटिव वाला पार्ट आएगा तो उस कंडीशन में होगा क्या कि ये रिवर्स बायस हो जाएगा एमिटर बेस जंक्शन। और जब ये रिवर्स बायस हो जाएगा तो आपको पता है क्या होगा कि उस कंडीशन में आपका बेस करंट फ्लो ही नहीं होगा तो कलेक्टर करंट नहीं फ्लो होगा तो आउटपुट का सिग्नल आपको विकृत होकर मिलेगा। चलो ये तो आपको बात समझ में आ गया। इसी तरह से सेम यही चीज इधर इस साइड में भी होगा कि यहां पे एक होगा कैपिटल आईसी जिसको आप यहां पे लिखा भी हो जो है कलेक्टर करंट ड्यू टू वीसीसी, ठीक है। ये कलेक्टर करंट होगा ड्यू टू बैटरी वीसीसी और ये डीसी वाला होगा कैपिटल आईसी, ठीक है। और दोनों इस्तेमाल में होगा तब तो प्योरली आउटपुट सिग्नल होगा, प्योरली आउटपुट सिग्नल होगा, आउटपुट एसी सिग्नल होगा, ठीक है। आउटपुट एसी सिग्नल होगा मतलब वो प्योर आउटपुट होगा। और आपका टोटल क्या होगा? तो टोटल ये आई स्मॉल में और सी कैपिटल में। तो उसी का ग्राफ मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। देखो इस साइड में मैं केवल सिग्नल का ग्राफ दिखाया हूँ और इस साइड में मैं टोटल जो करंट यहाँ पे फ्लो होगा जो टोटल कलेक्टर करंट है, ठीक है, यानी जो टोटल आईसी है कलेक्टर करंट उसका ग्राफ मैं इधर बना रहा हूँ। तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो यहाँ पे पहले से डीसी करंट तो है यहाँ पे इतने एम्पियर का, अब इसी के ऊपर और इसी के नीचे आपका करंट होगा, ठीक है। क्योंकि जब ये यहाँ पे करंट जो प्रवाहित होगा आई कैपिटल बी, ये जाहिर बात है जो पहले से आई जो ये वाला करंट जो प्रवाहित हो रहा था उसी से अप डाउन ये करवाएगा, ठीक है, अभी बताया था आपको। तो यहां पे जो कलेक्टर करंट आपका मिलेगा वो इसी के ऊपर अप डाउन करेगा इस तरह से। लेकिन ये मिली एम्पियर में है और ये माइक्रो एम्पियर में, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये माइक्रो एम्पियर में है और ये मिली एम्पियर में है तो इसलिए इसका मान ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से इसी के ऊपर आपको प्लस ऐसे दिखाना है, थोड़ा सा आयाम को बड़ा करके आप दिखाएंगे। मतलब अगर यहां पर इतना ऊंचा दिखा रहे हैं तो थोड़ा सा यहां पर चूंकि एम्पलीफायर है तो थोड़ा सा आयाम को बड़ा करके आप ऐसे दिखाएंगे क्योंकि यहाँ पे आपको हाई एम्पलीट्यूड का सिग्नल प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका आउटपुट करंट या वही कलेक्टर करंट जिसको हम लोग कहते हैं, ये प्राप्त होगा आपको, ठीक है। तो ये आपको इतना समझ में आया, ठीक है। लेकिन इसमें ये पर ध्यान दीजिएगा, इसमें आउटपुट सिग्नल जो है आउटपुट सिग्नल केवल ये वाला है। मतलब जब आप इसमें से सिग्नल को छांट लेंगे, मतलब वो समय आगे आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसमें से सिग्नल को पृथक करेंगे, तो सिग्नल केवल ऐसे आपको मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। ये सिग्नल आपको केवल मतलब जब इसमें से ये डीसी, देखो इसमें जो धारा ये प्रवाहित हो रही है इसमें डीसी भी और एसी भी है, यानी कहीं ना कहीं आई स्मॉल सी आई कैपिटल सी बराबर आई स्मॉल सी या प्लस ये वाला, मतलब ये डीसी भी है और एसी भी है, तब जाके ये टोटल यहाँ पे फ्लो हो रहा है।
ये थोड़ा सा दिखने में सेम जैसा लग रहा होगा लेकिन वो सेम है नहीं, ठीक है। ये यहाँ पे कैपिटल सी है और ये यहाँ पे स्मॉल सी है, ठीक है। मतलब ये टोटल कलेक्टर करंट है, ये क्योर प्योर एसी सिग्नल की वजह से है और ये आपका पहले से जो डीसी सिग्नल की वजह से प्रोवाइड हो रहा था। तो आपका आउटपुट जो करंट है सिग्नल वाला वो केवल ये है, ये नहीं है, ठीक है। तो जब आप इसमें से मतलब ये जो आउटपुट है इसमें से इसको हटा देंगे तो आपको ग्राफ केवल ऐसे मिलेगा, देखो केवल ऐसे। मतलब ये जो टाइम वाला एक्सिस है उसी के ऊपर प्लस है, उसी के नीचे माइनस। मतलब ये जो इनपुट सिग्नल है, मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो आपका इनपुट सिग्नल है इसका आयाम आपको बढ़ के यहाँ पे मिलेगा। मतलब सिग्नल जैसा का जैसा है वैसा ही रह गया, केवल आपका आयाम ऊपर हो गया, आयाम ज़्यादा हो गया। तो अब इसको जब आप देंगे किसी स्पीकर को तो वो स्पीकर क्या करेगा, जाहिर सी बात है उसमें आपको ज़्यादा तेज आवाज़ सुनाई देगा, ठीक है। तो ये आपका होता है। तो वो सब देखो अभी मैं बात कर रहा हूँ कि ये चैप्टर आपका नेक्स्ट है एम्पलीफायर का डिटेल, जिसमें आप ये सब पढ़ेंगे कि कैसे हम यहाँ पे सिग्नल लेंगे, कैसे उसमें से डीसी को हटाएंगे। लेकिन अभी के लिए मोटी मोटी बात ये है कि ट्रांजिस्टर का प्रयोग एम्पलीफायर के रूप में करते कैसे हैं, सिग्नल होता क्या है, सिग्नल में जो एसी पार्ट है वो क्या होता है और जो डीसी पार्ट है वो क्या होता है। तो ये सब आपको क्लियर रखना है, ठीक है। अब देखिए आपको कॉपी में अपने करना क्या है कि सबसे पहले तो ये हेडिंग डालना है, एक वो बॉक्स वाला बनाना है और उसका डिफिनेशन लिख देना है कि एम्पलीफायर वह डिवाइस है जो लो एम्पलीट्यूड के सिग्नल को हाई एम्पलीट्यूड के सिग्नल में बदलता है। और फिर आपको करना बस इतना है कि आपको कुछ नहीं, बस ये पूरा सर्किट आपको बनाना है, सर्किट के इस साइड में ये बनाना है और सर्किट के इस साइड में थोड़ा सा यहीं पे नीचे ऐसे, ठीक है, ये आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है। लेकिन इस ग्राफ को बनाने के बाद आपको ये समझना है कि इसमें ये आई स्मॉल सी, आई कैपिटल सी, ये सब क्या है। तो इसको आप क्या करिएगा, जब पूरा सर्किट बन जाएगा तो उसके नीचे ये चीज़ लिखिएगा, उसके नीचे लिखिएगा आई स्मॉल बी बेस करेंट ड्यू टू एसी सिग्नल, आई कैपिटल बी बेस करेंट ड्यू टू बैटरी वीबीबी, ठीक है। मतलब ये डीसी वाला है, ये एसी वाला है, प्योरली एसी के वजह से, ठीक है। और आई स्मॉल आई कैपिटल भी, ये क्या हो गया, टोटल बेस करंट हो गया, और ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, ठीक है। और इसी तरह से आईसी वाले का भी लिखिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, इसी एकदम इसी तरीके से मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले लिखिएगा आई स्मॉल सी, तो इसको क्या लिखेंगे, कलेक्टर करेंट ड्यू टू एसी सिग्नल, फिर लिखिएगा कलेक्टर करेंट, ये लिखिएगा फिर दोनों का, कलेक्टर करेंट ड्यू टू बैटरी वीसीसी, ये डीसी वाला होगा, और फिर ऐसे लिखिएगा आई स्मॉल में और सी कैपिटल में, तो ये क्या गया, ये हो गया टोटल कलेक्टर करंट, और इसका मान क्या हो जाएगा, आई स्मॉल सी और ये दोनों का योगफल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से ऐसे लिख देना है और इस तरह से आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका जो मैथमेटिकल एनालिसिस है, देखो इसमें बहुत सारा काम अभी बाकी है, ऐसा नहीं है कि एम्पलीफायर यहीं पे कंप्लीट हो गया। अभी इसका जो मैथमेटिकल इक्वेशन बना के सब इसका बताना पड़ेगा, आगे आपको ये भी पता चलेगा थोड़ा नेक्स्ट चैप्टर में कि ये जो ग्राफ मैं ऐसे बना रहा हूँ ये रियलिटी में ऐसे नीचे से शुरू होता है, ठीक है। मतलब यहाँ फेज डिफरेंस मिलता है, तो अब ये क्या नई चीज़ हो गई, तो ये सब आपको धीरे धीरे सब कुछ मैं क्लियर करूँगा आपको, ठीक है। तो ये चलो, ये तो अभी बेसिक एम्पलीफायर के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये आप अच्छे से लिख के, और अब नेक्स्ट हेडिंग में आपको जा रहा हूं कि क्या होता है, बात एक ऐसे नोट लिखना पड़ेगा आपको। तो देखिए नोट में आप क्या लिखेंगे, ये नोट बस है इसको समझने के लिए है। देखिए एमीटर करंट क्वांटिटी में लिखेंगे इतना चीज, एमीटर करंट, कलेक्टर करंट, बेस करंट, कलेक्टर एमिटर वोल्टेज और बेस एमिटर वोल्टेज। मतलब जब इस चैप्टर को या इसके आने वाले जो भी चैप्टर्स हैं एम्पलीफायर से रिलेटेड, उसमें आपको इन्हीं सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कॉमन एमिटर का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो उसमें ये तीनों करंट, एमिटर करंट, कलेक्टर करंट, बेस करंट, और दो तरह का वोल्टेज, कलेक्टर एमिटर वोल्टेज और बेस एमिटर वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तीन तरह के करंट हो गए, ठीक है, और दो वोल्टेज, यहाँ बेस एमिटर वोल्टेज और यहाँ कलेक्टर एमिटर वोल्टेज, ठीक है। ये एमिटर टर्मिनल है, तो कलेक्टर एमिटर वोल्टेज और बेस एमिटर वोल्टेज, तो ये पांच तरह की राशियां हैं जो हम हर जगह प्रयोग होंगी, इन्हीं के मदद से आप मैथमेटिकल समीकरण वगैरह बनाएंगे। तो देखिए एमिटर करंट अगर केवल एसी सिग्नल के लिए हो तो उसको किस सिंबल से प्रसिद्ध करेंगे, तो उसके लिए आप दोनों लेटर इस्तेमाल का प्रयोग करेंगे ऐसे। अगर केवल डीसी सिग्नल की बात की जाए, मतलब एसी सिग्नल, सिग्नल दिया ही ना जाए, सिग्नल मतलब एसी, तो अगर एसी ना दिया जाए तो जब केवल बैटरी आप लगाए रहेंगे बायसिंग देने के लिए, तो उसको केवल डीसी सिग्नल बोलेंगे। तो उसके लिए आप इसके लिए क्या सिंबल प्रयोग करेंगे, दोनों कैपिटल में, और टोटल के लिए क्या प्रयोग करेंगे, तो एक करंट वाला स्मॉल में और ये कैपिटल में, ठीक है। और ये वाला जो है इन दोनों का योगफल होगा, सीधी सी बात है, आई ई इक्वल टू आई ई प्लस आई ई ऐसे होगा, ठीक है। इसी तरह से कलेक्टर करंट का ये, फिर ये और फिर ये, आया समझ में ना। अच्छा बेस करंट का ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है। अच्छा इस तरह से कलेक्टर एमिटर वोल्टेज का देखिए, कलेक्टर एमिटर वोल्टेज यानी भी दोनों इस्तेमाल में, दोनों कैपिटल में, और यहाँ पे भी इस्तेमाल में, ठीक है, ये भी इस्तेमाल है, ठीक है, ये भी इस्तेमाल है, भी इस्तेमाल में, और ये सी ई भी इस्तेमाल में, दोनों कैपिटल में,
और ये स्मॉल में और ये कैपिटल में, आया समझ में टोटल के लिए। अच्छा, बेस एमिटर वोल्टेज ये दोनों स्मॉल में दोनों कैपिटल में डीसी के लिए, और यहाँ पे ये स्मॉल में और ये कैपिटल में, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब देखो सर्किट का एनालिसिस जब हम एम्पलीफायर के बारे में आगे पढ़ेंगे या अभी बायसिंग स्टेबलाइजेशन भी पढ़ेंगे, तो सर्किट का एनालिसिस दो पार्ट में किया जाता है, एक डीसी सिग्नल के लिए प्योरली और एक एसी सिग्नल के लिए। ये एनालिसिस आसान होता है क्योंकि डीसी में जाहिर सी बात है वेरिएशन नहीं होता है, तो ये एनालिसिस आसान होता है। तो पहले हम लोग डीसी का एनालिसिस पढ़ लेंगे और तब जाके हम लोग एसी का एनालिसिस पढ़ेंगे। मतलब पहले हम लोग केवल ये सब लगा के देखेंगे, और जब ये लगाएंगे, जाहिर सी बात है जब ये लगाएंगे तो ये दोनों एक साथ लगा हुआ मान के चलेंगे, तब इसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको कि ये बायसिंग देना आवश्यक क्यों है, क्यों ये देना आवश्यक है। अगर हम इस बायसिंग को नहीं देते और केवल एसी सिग्नल यहाँ पर लगा देते, तो उस कंडीशन में क्या होता कि यहाँ से जो यहाँ पे जो वोल्टेज आता भी बी का जो मान आता वो कभी प्लस में जाता कभी माइनस में जाता। जब प्लस में जाता तो ये फॉरवर्ड बायस में होता, तो बेस करंट प्रवाहित होता, यानी कलेक्टर करंट भी आपको मिलता, यानी आउटपुट मिलता। लेकिन जब यहाँ पे ये रिवर्स बायस में होता तो बेस करंट नहीं प्रवाहित होता। सिग्नल है, सिग्नल अभी भी है यहाँ पे, लेकिन करंट नहीं यहाँ पे प्रवाहित होता, क्योंकि ये रिवर्स बायस में होता ट्रांजिस्टर, तो ये नहीं मिलता। यानी सिग्नल यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे सिग्नल नहीं मिलेगा, यानी सिग्नल डिस्टॉर्ट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप ये बायसिंग दिए हुए हैं तो उस समय ये ग्राफ जो है, ये जाहिर सी बात है ये केवल सिग्नल का ग्राफ दिखाया गया है, तो ऐसे बना है प्लस और माइनस। लेकिन अगर आप ये डीसी दे दिए रहेंगे तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, जिसको मैं अभी फिर आपको बना के एक बार समझा दे रहा हूँ। तब ग्राफ ऐसे बनेगा कि पहले से ये डीसी करंट है, तब इसी के ऊपर ऐसे सिग्नल ऐसे ऊपर नीचे होगा, इसी के ऊपर आखिर सिग्नल रह तो गया। आखिर ये ग्राफ जो है, ये पूरा ग्राफ तो प्लस ही में रह गया ना, बात समझिए, ठीक है। तो ये पूरा ग्राफ आपका किस में रह गया, प्लस में रह गया। अब इस लाइन के नीचे तो नहीं ना आया करंट, देखो यहाँ जो करंट है ये माइनस है, ये जीरो है, ऊपर जीरो से ऊपर प्लस और नीचे माइनस, तो करंट नीचे तो नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि आपने डीसी करंट पहले से यहाँ पे बायसिंग देकर, आपने डीसी वाला यहाँ पे पहले से आपने ये डीसी बेस करंट प्रवाहित करा चुका है आपने, ठीक है। तो इसी के ऊपर और इसी के नीचे अब आपका बेस करंट होगा, ठीक है। तो कलेक्टर करंट भी जो मिलेगा, वो जो पहले से डीसी वाला आपका प्रवाहित हो रहा है, उसी के ऊपर और उसी के नीचे आयाम बढ़ के मिलेगा, ठीक है। ये समझने वाली बात है, हाँ। लेकिन इसमें से सिग्नल, अगर आप प्योरली सिग्नल को छान लें, केवल सिग्नल को अलग कर लें, बाद में ऐसा आपको करना पड़ेगा, तो सिग्नल ऐसे ही मिलेगा आपको। तो सिग्नल आपको आउटपुट वाला ऐसे ही मिलेगा कि ये है, ठीक है, प्लस में और माइनस में ऐसे, ठीक है। ये आपका आउटपुट सिग्नल हो गया, और इनपुट सिग्नल भी प्योरली कैसे है, तो ऐसे है, थोड़ा आयाम कम है और ऐसे है। केवल सिग्नल तो ऐसे ही है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, जिसको मैं यहाँ पे दिखाया हूँ। तो ये समझने वाली बात है, यहाँ पे मैं केवल सिग्नल दिखाया हूँ तो ऐसे लिखा हूँ, और यहाँ पे टोटल करंट कलेक्टर करंट दिखाया हूँ तो ऐसे, पहले इसको बना के तब ऐसे बनाया हूँ। लेकिन सिग्नल यही है, अगर मैं इसमें भी केवल सिग्नल का बनाऊँ, मतलब दोनों स्मॉल वाला बनाऊँ, तो ऐसा ही ग्राफ बनेगा इस तरह से, ठीक है। तो ये सब समझने वाली बात है। अब हम लोग धीरे धीरे, देखो बात है ना कि जब शुरुआत में कोई टीचर पढ़ाता है तो उसको बच्चों को बेसिक चीज़ें बताने में थोड़ा सा काम ज़्यादा करना पड़ता है, कि बात है कि ये सब चीज़ें अगर बच्चे नहीं क्लियर समझेंगे तो आगे की चीज़ें समझ में नहीं आती। इसीलिए मैं कभी पढ़ाता हूँ तो पहले चाहता हूँ कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, क्योंकि मैं समय ज़्यादा खर्च करता हूँ। और एक बार मोशन पकड़ लेता है आदमी, बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाती है, तो उसके बाद आदमी स्पीड बढ़ा देता है, जल्दी समझाने लगता है, क्योंकि आप उसके बाद जल्दी से कैचअप करने लगेंगे चीज़ों को। तो ये हो गया आपका बेसिक एक एम्पलीफायर के बारे में, ठीक है। लेकिन बातें अभी यहाँ पे ये नहीं सोचेगा कि एम्पलीफायर खत्म हो गया, एम्पलीफायर के बारे में बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी हैं। मैथमेटिकल तो इसमें कुछ हमने नहीं किया, केवल फिजिकली समझा, सिग्नल का मतलब समझा, नोटेशन वगैरह समझा, तो वो सब आगे आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। तो इस टेबल को बना लीजिएगा, बस ये समझने के लिए है। अब ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए, एग्जाम के लिए ये टेबल नहीं था, एग्जाम के लिए वो एम्पलीफायर जो था सच में, तो वो भी ज़्यादा एग्जाम में आता नहीं है। हाँ, अगर आ जाए कि बेसिक कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का वर्णन कीजिए, ऐसे करके आ जाए क्वेश्चन, तो आप उसको सर्किट बना के परिभाषा लिख के सब लिख सकते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया। अब देखिए, अब आपको आगे का क्या करना है, तो आगे अब आपको ये करना है कि आपका अगला हेडिंग रहेगा जिसका नाम है डीसी लोड लाइन। और सच पूछिए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ठीक है। ये डीसी लोड लाइन क्या होता है, अभी भी इस चैप्टर का जो नाम है बायसिंग एंड स्टेबलाइजेशन, सच पूछे तो इस नाम का अभी मैं अलग से हेडिंग डलवा के कि व्हाट इज बायसिंग, व्हाट इज स्टेबलाइजेशन, ये सब मैं अलग से लिखवाऊंगा। बायसिंग के कई तरह के प्रकार होते हैं, ठीक है। लेकिन ये अभी पढ़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा डीसी लोड लाइन। देखिए, बायसिंग तो आप अच्छी तरह से इतना जान ही गए होंगे कि बायसिंग वही होता है जो बैटरी हम लोग लगाते हैं, VBB और VCC, यानी इमीटर बेस्ड जंक्शन को फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन को रिवर्स बायस। लेकिन वो देना क्यों जरूरी है, जब आप इस
शेडिंग को पढ़ लेंगे डीसी लोड लाइन, तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। थोड़ा बहुत आपको समझ में आया ही होगा कि बायसिंग देना क्यों जरूरी है। अगर अभी हम बायसिंग नहीं देते तो सिग्नल देख ही रहे थे आप कैसे डिस्टर्ब हो जाता। लेकिन इसको और ब्रॉडर वे में और गहराई से समझना पड़ेगा और टेक्निकली समझना पड़ेगा कि बायसिंग क्यों जरूरी है, ना दिया जाए तो क्या क्या और नुकसान आपका हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये हेडिंग आप पढ़ेंगे डीसी लोड लाइन, तब आपको मैं हेडिंग डलवाऊंगा बायसिंग और बताऊंगा कि बायसिंग का मैंने एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बायसिंग क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। और फिर आपका हेडिंग होगा स्टेबलाइजेशन। बायसिंग के कई सारे प्रकार भी हैं, ठीक है, तो वो सब आपको पढ़ना है और तब जाके ये चैप्टर, और इसमें एक एच पैरामीटर भी एक टॉपिक है, तब जाके ये चैप्टर कंप्लीट होगा। और नेक्स्ट चैप्टर में आप एम्पलीफायर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, सिंगल स्टेज एम्पलीफायर, और उसमें आपका एक हेडिंग होगा एसी लोड लाइन। उसमें आपको सिग्नल के साथ ट्रांजिस्टर का एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है, सिग्नल देने पर क्या क्या उसमें आता है, ठीक है, ये सब आपको समझना पड़ेगा। तो ये सच पूछिए तो ये वाला चैप्टर और इसके आगे वाला चैप्टर लिंक वाला चैप्टर है। देखो सच पूछो तो चैप्टर नंबर 2 से ही ये शुरू हो जाता है। ट्रांजिस्टर है, फिर ट्रांजिस्टर से आगे आप बढ़े तो ये बायसिंग स्टेबलाइजेशन आ गया, फिर आगे बढ़ेंगे तो एम्पलीफायर आ जाएगा, और फिर आगे आएंगे तो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर आएगा। ठीक है, तो ये चारों चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 2, 3 और 4, ये तीनों चैप्टर जो है आपका लिंक्ड वाला चैप्टर है। ठीक है, मतलब जो दूसरा अच्छे से पढ़ेगा वही तीसरा समझ पाएगा, चौथा समझ पाएगा। तो ये लिंक वाला है, डायोड वाला तो अलग है। ठीक है, जो पहला चैप्टर डायोड वाला अलग है, लेकिन दूसरा तीसरा चौथा ये लिंक वाला चैप्टर है। ठीक है, और दूसरा तीसरा और चौथा ये लिंक वाला चैप्टर है, और पांचवा और छठवां चैप्टर जो है वो थोड़े से अलग वाले चैप्टर हैं। ठीक है, सच पूछिए तो दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा ये इतना चैप्टर लिंक वाला है। ये ट्रांजिस्टर, ठीक है, ये बायसिंग स्टेबलाइजेशन, ये सिंगल स्टेज एम्पलीफायर, ये मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, ये चारों चैप्टर लिंक वाले हैं। और छठवां चैप्टर जो है फेट मॉस्फेट वाला वो अलग है। ठीक है, तो ये चारों चैप्टर आपको बढ़िया से समझना है। इस पे ये मैं पढ़ा चुका हूँ, दूसरा तीसरा पे मैं समय अधिक दे रहा हूँ क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है। हल्का सा ये चैप्टर टफ बच्चों को लगता है क्योंकि पहली बार ये पढ़ने को मिलता है इस तरह का चीज़, तो आपको ये थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना है, फिर आपको क्लियर समझ में आएगा। तो चलिए मैं ऐसा करता हूँ, आपको थोड़ी देर बाद मैं एक और लेक्चर दूंगा जिसमें मैं डीसी लोड लाइन का वर्णन करके आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।